नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और SPR रोड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत हलचल हो चुकी है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, और इसका एक अभी इफेक्ट भी पड़ने वाला है, क्योंकि एक्सटेंशन और SPR रोड को रीवैम्प करने का काम है वो जल्द से जल्द है वो शुरू होने वाला है। तो आज हम इसी रोड के बारे में बात करेंगे। टोटल 14 किलोमीटर का ये पैच पड़ता है घाटा गांव से लेके नेशनल हाईवे NH8 तक, ठीक है। इसके ऊपर कैसे कैसे क्या चीज़, कितने बजट में कैसे फ्लाई ओवर, किस हिसाब से कहाँ पे क्या आने वाले हैं, तो वो डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बारे में। तो ये जो मास्टर प्लान 2031 का, उसके अंदर एक्सटेंशन रोड पे टोटल 17 सेक्टर लगते हैं, यानी दोनों साइड की अगर मैं बात करूं तो टोटल 17 सेक्टर यहाँ पे एक्सटेंशन रोड के ऊपर लगते हैं। और ये एक्सटेंशन रोड कनेक्ट होता है आपका डायरेक्ट फरीदाबाद, जो दिल्ली फरीदाबाद रोड है उसके अंदर जाके ये कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से घाटा गाँव विलेज है, वहाँ से स्टार्ट होता है आपका गोल्फ कोर्स रोड, वहाँ पे हिट होके वहाँ से एक्सटेंशन रोड की शुरुआत हो जाती है, जो कि आगे आपका सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर वाटिका चौक के ऊपर ये जाके कनेक्ट होता है। उसके नीचे से अभी अंडरपास का काम है वो शुरुआत है। पहले अंडरपास का जो वाटिका चौक के ऊपर जो अंडरपास बनाया जा रहा है उसकी डेडलाइन जुलाई थी, फिर अगस्त रखी गई, और अब 31 दिसंबर तक इसकी डेडलाइन है वो घोषित कर दी गई है। उस क्योंकि अभी मानसून आ गई थी, बारिश कुछ ज़्यादा ही थी गुड़गांव में, उसकी वजह से ये डिले हो गया है। तो फाइनल डेडलाइन आ गई है कि 31 दिसंबर 2023 तक इसको कंप्लीट करके इसको ओपन कर दिया जाए। इस प्रोजेक्ट को बनाने में टोटल जो बजट पास हुआ था, जो अंडरपास का था, वो 109 करोड़ का बजट इसका रखा गया था। उसके बाद जैसे ही ये रेडी हो जाएगा और आपका जो जहाँ पे फ्लाई ओवर बनना है, यानी रिवैम्प होना है एक्सटेंशन और SPR रोड, टोटल 8 फ्लाई ओवर यहाँ पे बनाए जाएंगे। जहाँ जहाँ आपकी जो कनेक्टिविटी आती है, जैसे कि रेड लाइट आ गए या कहीं पे टी पैनल, वहीं पे फ्लाई ओवर बनेंगे। तो टोटल 8 फ्लाई ओवर और एक अंडरपास इस टोटल 14 किलोमीटर पैच के ऊपर बनाया जा रहा है। ये जो टोटल पूरा घाटा गांव से लेके NH8 तक का जो है, ये 845 करोड़ का बजट इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगने वाला है। इस रोड के ऊपर 14 किलोमीटर के अंदर 2.5 मीटर की तो आपकी जो फुटपाथ होता है उसकी जगह है फिर सर्विस लाइन है। तो यानी रोड को चौड़ा किया जाएगा, फिर फुटपाथ की जगह रहेगी और फिर सर्विस लाइन होगी। यानी आपको एक साइकिलिंग ट्रैक के लिए भी अलग से यहाँ पे रास्ता है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट भी रहेगी और सीवरेज का भी काम इसके साथ साथ और बढ़ाया जाएगा। तो मेजर कनेक्टिविटी को बनाने के लिए, यानी आपकी जो जर्नी है उसको फास्ट बनाने के लिए, आप चाहे NH8, आप सोना रोड, या आप एक्सटेंशन होते हुए आप साइबर सिटी भी जा सकते हैं, फरीदाबाद भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई रेड लाइट नहीं है, नॉन स्टॉप आपकी गाड़ियाँ यहाँ पे चलने वाली हैं। आपको अगर द्वारका जाना है, आपको जाना है आपका एयरपोर्ट, तो आप इस रोड से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। यानी कहीं भी आपको, मान लीजिए आप सोना रोड से जाते हैं भाई, आप SPR रोड होके, तो क्लोवरलीफ फ्लाई ओवर से सीधा आप CPR, फिर द्वारका एक्सप्रेस वे डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको NH8 पे जाने की जरूरत है। तो इस रोड का काम होने से रियल स्टेट मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रियल स्टेट मार्केट पे मेजर इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये बेल्ट है ये बहुत प्रीमियम होने वाली है। क्योंकि एक्सटेंशन रोड पे आज के टाइम अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं तो बहुत गड्ढे वगैरह है, आपका जो रोड है वो बिल्कुल टूट चुका है, तो गाड़ियां बिल्कुल स्लो चलती हैं, दूसरे तीसरे गियर में गाड़ियां चलती हैं, क्योंकि जैसे गाड़ी उठती है तुरंत आगे गड्ढा आ जाता है। तो इसलिए उसको रिवैम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये दोबारा उखाड़ा जाएगा, ये पूरा रोड उखाड़ा जाएगा, SPR रोड और एक्सटेंशन रोड, ये उखाड़ के दोबारा से नया रिवैम और फ्लाई ओवर का काम है वो शुरू किया जाएगा। तो इससे रियल एस्टेट मार्केट में ऑटोमेटिकली आपका जो उछाल वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट साइबर सिटी और उसके साथ साथ एक्सटेंशन रोड पे तब तक कमर्शियल जो बेल्ट है वो भी रेडी हो जाएगी। ये टोटल प्रोजेक्ट 2.5 साल में बनके रेडी होना है, ठीक है। तो इससे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ आपका जो SPR रोड है उसके ऊपर प्रोजेक्ट अभी आने हैं,
शुरुआत हो चुकी है। पिरामिड जैसे 71 में आया था उसी तरीके से और भी प्रोजेक्ट यहाँ पे लाइनअप है, उनके भी हम टाइम टू टाइम वीडियो है वो आपके सामने लाते रहेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट के जो कंसेप्ट है वो बताते रहेंगे। अभी अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी ये होने की वजह से न्यू गुड़गांव के जो रेट है उनमें उछाल आना शुरू हो गया है। उछाल इसलिए आया है क्योंकि न्यू गुड़गांव का डायरेक्ट वे आपका एक्सटेंशन SPR सोना रोड के साथ हो चुका है, क्योंकि कलोवरली फ्लाईओवर को जल्दी ऑपरेशनल किया जा रहा है और डायरेक्ट आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर मानेसर से लेके आप डायरेक्ट गोलकोस्ट रोड तक आप आ सकते हैं नॉन स्टॉप गाड़ी से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को है उसको मजबूत कर दिया गया है। SPR रोड पे जितने भी सेक्टर लगते हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है। वहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेसवे का हेड ऑफिस है, वो जल्द इसी साल एंड तक है उसको ऑपरेशनल करने की तैयारी है। साथ के साथ अब तक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है वो डिलीवर्ड हो रहे हैं, तो जनरेशन वो बढ़ती जा रही है, जेंट्री है वो आ रही है, कमर्शियल चीज़ें हैं वो एक्टिव होती जा रही हैं और अब जितने भी आप आगे प्रोजेक्ट देख रहे हो वो प्रोजेक्टों में बदलाव आ रहा है। छोटे टिकट में कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहा, यानी 2.5-3 करोड़ से आपके प्रोजेक्ट हैं वो शुरुआत हो रहे हैं, 1 से 1.5 करोड़ में कोई माल ही नहीं मिलता आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसके बाद आपका मेट्रो रूट है उनको उनकी तरफ फोकस किया जाएगा। नया बस स्टैंड आपका CPR रोड के ऊपर आ चुका है, वहाँ पे 15 एकड़ की लैंड है वो पास कर दी गई है। डायरेक्ट येलो लाइन है जो आपका द्वारका एक्सप्रेस वे से कनेक्टेड होना है। तो ये रियल स्टेट मार्केट ऐसी हो जाएगी, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए, क्योंकि चीज़ एक से एक बढ़ के आएंगी और हाई रेटों के ऊपर आएंगी। आपको ये लगेगा कि मार्केट कुछ ओवर प्राइज होती रही है, नहीं, मार्केट ओवर प्राइज नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रही है। आप डेवलपमेंट के नियर बाई में जा रहे हैं, 2031 का जो प्लान है उसके नियर बाई में जाते रहे हैं और साथ के साथ कुछ नए इम्प्लीमेंट होते आएंगे। आप मुंबई साइड चले जाओ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेट है, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि चीज़ें वहाँ ना जो लैंड है वो कम हो गई है, तो इसलिए गुड़गांव में भी जैसे जैसे लैंड कम होती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी रियल एस्टेट मार्केट है वो बढ़ती जाएगी। तो अभी ये जो दिसंबर तक का जो सिनेरियो है 3-4 महीने जो बचे हैं इसमें आप ट्राई करके देखो, यही है अच्छा टाइम रियल एस्टेट का। ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कोई चीज़ें बेचने के चक्कर में ये चीज़ें बोल रहा हूँ, नहीं, ये राइट टाइम है क्योंकि उसके बाद आपको जो आज ले रहे हो वो रेट भी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो जो कि एक्सटेंशन और SPR रोड के बारे में थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर जरूर कर ले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहे। थैंक यू दोस्तों।